आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आप जानती हैं ना, इस घर में आप एक वाहिद शख्स हैं जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लेता हूँ, और उसके बावजूद आपने मुझसे गैरों वाला रवैया रखा हुआ है। अगर तुम लोग औलाद प्लान नहीं करोगे ना, तो उसको हरगिज भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा, क्योंकि एक बाप अपनी औलाद के लिए किसी और तरह सोचता है। वो इस पर भी तो नहीं मानता ना। हाँ माँ है ना मेरी, मेरी हमदर्द। फिर भी अम्मी, आप अपने दिल की बात मुझसे क्यों नहीं कह पा रही? रुहिया, आपने तो अपनी सारी जिंदगी खोल के मेरे सामने रख दी, तो फिर एकदम से अजनबी क्यों बन गई आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात हो सकती है हमारी? जी बोले। मुझे कुछ पूछना है आपसे। क्या आपकी रमशा से कोई बात हुई है? नहीं। अम्मी ने आपसे किसी हवाले से कोई बात की हो? किस बारे में? यही कि मेरे और रमशा के दरमियान दूरी की वजह आप हैं, और आपको हर हाल में मुझसे दूर रहना है, इस तरह की कोई बात? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे फील हो रहा है जैसे किसी ने आप पे पाबंदी लगा दी हो कि रोहिल के करीब भी नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, उससे दूर रहना है। बात कर तो रही हूं मैं आपसे। मैं जानता हूं आप बात कर रही हैं, लेकिन साउंड डिफरेंट, समथिंग हैज चेंज्ड। आप उस तरह बात नहीं कर रही। जानता तो हूं मैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। हाँ तो फिर ठीक है, जो आप सुनना चाहते हैं वो बता दे, मैं कह देती हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर आप मेरे साथ डिनर पे चलें आज। हिरा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं जरूर चलती। ठीक है फिर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन मैं जानता हूं आप जाना ही नहीं चाहते, which is absolutely fine. Bye. हुकुम। अपना व्हाट्सएप चेक करो, मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा है। उस मैसेज को एज इट इज कॉपी करके उसे भेजना है। नई सिम तो ले ली है ना? हाँ हाँ, बहुत पहले ले ली थी, डोंट वरी। गुड, जवाब आए तो मुझे बता देना, ठीक है? बस बस ठीक, ओके। ओके।
तेरी असलियत खुल चुकी है मक्कार औरत। तू अपने शौहर की कातिल है। बैठा है ना। हाँ सही। तेरे बंद मत करता हूँ। आपको रेंट डिपार्टमेंट जाना था। बस निकल रहा हूँ मुझे सब। अब जाने की जरूरत नहीं है। एक घंटा लेट हो चुके आप और जिस अफसर से आपकी मीटिंग होनी थी वो दफ्तर से जा चुका है। ओ अच्छा, मुझे सब में बिजी इतना था काम में कि बस। जमशेद साहब, मुझे लगता है कि आप यहाँ नहीं चल पाएंगे। मैं रोहित साहब को बता देता हूँ कि वो आपको कहीं और एडजस्ट कर लें। आपकी वजह से यहाँ मसले हो रहे हैं। क्या मसला है तेरे साथ? क्या मसला है तेरे साथ? जब पूरे ऑफिस में मैं ही नजर आता हूँ, कौन हूँ मैं? मैं राइडर हूँ, डिस्पैचर हूँ, खाना बनाता हूँ, कौन हूँ मैं? मैं इस खानदान का तनाद हूं। जमशेद, तू मुझे कह रहा है ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। मैं अपना कारोबार करूंगा ना तो जैसे हजार नौकर रखूंगा। एक बात और, तूने अगर रोहिल को ये बताया ना जो भी हुआ है, मेरी जबान कुत्ते से खींच के ना ये फांसी दे दूंगा। यहां जाना है, ये फाइल ले जानी थी। ये ले फाइल ले जानी। ऑफिस में नहीं था जब ये वाकया हुआ। अगर मैं ऑफिस में होता तो शायद उसकी हिम्मत। एनीवे, मैंने एडमिन से पारिक करो उसे। सबसे ज्यादा हिमायत मैंने जमशेद जी की थी और आज मैं ही तुमसे कह रहा हूं निकाल बाहर करो उसे। पास चलो। जमशेद अपने साथ होने वाले सलूक का बदला शम्मो से जरूर लेगा। शम्मो से कहो कि ज़हनी तौर पर तैयार रहे। तुम्हें किसने कहा था मजीद से पंगा लो? अब भोग तो। रोहिल ने ऑफिस में तुम्हारी एंट्री बैन कर दी है। हाँ तो कर दे बैन, किसको परवाह है। मजीद को मैं देख लूंगा। पागल मत बनो, जो मिल रहा है उस पे गुजारा करो वरना ये भी हाथ से चला जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, रूही वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या वहाँ भी ऑफिस वाले ही सीन है? अब वो तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं रहा है। इन्होंने मेरी एंट्री बैन की है ना रोहिल ने। मैंने इन लोगों का जीना हराम नहीं किया ना, तो मेरा नाम जमशेद है। शाबाश जमशेद, शुरू हो जाओ। किससे बात कर रही हो? दोस्त से। जमशेद दोस्त का नाम है। मम्मी जान, छुप के बातें सुनना ना बैड मैनर्स में आता है। जैसे ही मैंने रूही का नाम सुना मेरे तो कान खड़े हो गए। क्या बात कर रही थी? जल्दी से बताओ ना, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है?
मुझे भी तो पता चले। अच्छा बताती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं काफी देर से शम्मू को फोन कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। ओ, अगर जमशेद आया ऑफिस तो जरा उसे पूछ लो, कहो बीजान परेशान हो रही है। अम्मी जमशेद तो शायद बाहर गया हुआ, आप और शुमाइला सो रही होगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? चलो मैं देखता हूँ, मैं उसे कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा ओके ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रोहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम मम्मी का फोन क्यों नहीं उठा रही हो और जमशेद कहाँ है? पता नहीं भाई, तो रात को जल्दी सो गई थी, शायद लेट आया होगा। मेरी अभी आपके कॉल से ही आंख खुली है। ऑफिस गया होगा शायद। क्यों ऑफिस नहीं आया? नहीं नहीं आया होगा, आई एम श्योर, वो मैंने देखा नहीं है। ठीक है तुम ऐसा करो मम्मी को फोन कर लो, वो परेशान हो रही हैं। ठीक है चलो ठीक है भाई, खुदा हाफिज। ओके हाफिज। रोहेल की जिंदगी से निकल जा वरना मारी जाएगी। मिया
रोहिल चाहिए। अब फिलहाल इन पे जरा करें कॉन्सेंट्रेट और फिर आप उसको डांट लीजिए। अब आराम से इसको फोन कर रहा हूँ, जमशेद को बंद करो, मैं कह रहा हूँ बंद करो फोन, इस ना इंजाब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा बस हो गया ना, हो गया सर, आराम से आप। घबराने की कोई बात नहीं है, बस इनका बीपी लो हो गया था, अभी बेहतर है। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग इन्हें टाइम मिले तो क्लिनिक ले आएं ताकि मैं तफसील से चेकअप कर लूँ। अगर आप कहें तो हम अभी हॉस्पिटल ले आते। नहीं नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने कुछ मेडिसिन दी है, आप वो इन्हें टाइम पर दें, ये ठीक हो जाएंगी। ठीक है अभी मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं इमोशनल मत हो ना, फिलहाल करें काउंसलिंग, भी जान पे करें। दैट्स द होल थिंग। अल्लाह का शुक्र है अम्मी की तबीयत अब बहुत बेहतर है, फिलहाल तो वो सो रही हैं। डॉक्टर ने कहा मैंने उनको वक्त पर दवा देके बिल्कुल सही किया। अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। हम लोग बस ऊपर ही ऊपर से मजबूत नजर आते हैं। हमेशा मेरी वजह से अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, शायद मुझे घर नहीं आना चाहिए था। शमो तुमने बिल्कुल ठीक किया घर आके, सुबह बोलने तो बात करता हूँ मैं जमशेद से। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये रोज रोज का किस्सा खत्म करो यार। ये शख्स सुधरने वाला नहीं है। अच्छा बस भैया रोहिल वो सुबह कॉल करना है गौरी को। बेटा जी अब वो आप इसको चुनिए खाना खाए। Yeah, we're going for it. तुमने वाकई शम्मो को तलाक दे दी? नहीं यार अभी नहीं, दो चार दिनों में जरा पेपर्स बन जाए तो फिर हाथ में थमा दूंगा। मतलब रोज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक ही बार काट कर खा जाओगे? और फिर क्या करोगे? जिल्लत ही भाई, बहुत ज्यादा जिल्लत। वैसे ससुराल में कोई टके की इज्जत है नहीं, और फिर वो मजीद जैसे आदमी के सामने रोज रोज दफ्तर में गालियां खाना, नहीं भाई हमसे नहीं होता। अब दामाद हूं उनका, कोई उठाई गिरा कोई हूं। बहुत जल्दबाज हो, कितनी बार कहा है सब्र से काम लो। कितना सब्र, जब तक अपने बलबूते पे पैसे नहीं बनाते कि पैसे बोनस समझ के इससे गुजारा करो। सुनो मेरे वाले काम का क्या हुआ, उसे भी तलाक दे दी क्या? हाँ हाँ उस पे काम चल रहा है, तीन सिमें ब्लॉक कर चुकी अब तक। मैंने भी मैसेज कर करके ना उसका जीना हराम किया हुआ है। उसको मैसेज मिलता है वो मुझे कॉल करने की कोशिश करती है, मैं फोन ऑफ कर देता। जब तुम्हारे तलाक वाले सीन ने यहाँ तो बॉम्ब फाड़ दिया, बेचारी काफी तबीयत खराब हो गई है। चाहो तो मिस्कीन बनकर आके माफी मांग लो और कह देना कि उससे मैं कह दिया था।
नहीं यार, अभी नहीं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। इस पे सोचना, अब मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? ओके बाय। बेटा बीजान, मैं आपको पानी दूं? अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं। अरे बेटा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपकी दवाई का वक्त हो गया। हाँ हाँ हाँ, खा लेंगे। आप अपने कमरे में जाके आराम से हीरा के पास सो जाइए, ठीक है? अब आपको कुछ चाहिए? बेटा आप, हमने कहा ना, आप जाइए अपने कमरे में जाके हीरा के पास आराम से सोइए, और शाहिदा को हमारे पास भेज दें, और शम्मो का। शाहिदा शायद हीरा के पास होगी और शम्मो सो रही होगी। मैं भेज दूँ शम्मो को? नहीं बेटा, अगर वो सो रही है तो आप रहने दीजिए, सिर्फ शाहिदा को हमारे पास भेज दें। आप हीरा के पास जाके आराम से सोएं। हालत देखिए अपनी, नींद से क्या हालत हो रही है आपकी बेटा। नहीं नहीं बेटा, जाइए और ना अपने बड़े अब्बू को कहिएगा कि हम जा। ठीक है बीजान, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। हाँ शायद आपको बीजान बुला रही हैं। ठीक है बीबी जी। अगर खुद की और अपनी बच्ची की जान अजीज है तो फौरन इस घर से निकल जाओ। क्या बात है? क्या चाहिए मेरी बेटी को? आ जाओ आपके पास। क्या बात है? मेरा बाबू है। बाबू है मेरा सबसे प्यारा बाबू। आज ऑफिस नहीं गए? आपकी तबीयत खराब हो मम्मी, और मैं ऑफिस चला जाऊं, ऐसा हो सकता? अब बेहतर है। कहाँ बेहतर? आराम करना है आपको ढेर सारा। मैं आज पूरा दिन घर पे ही रहूंगा, बल्कि आपके पास बैठा।
बात हुई शम्मो से। दरअसल अम्मी कल जमशेद ने ना ऑफिस में बहुत हंगामा किया। मजीद साहब से भी झगड़ा किया उसने और फिर घर जाके सारा गुस्सा शमो पे निकाल दिया। जब वो इस तरह झगड़ा करता है तो उसे तलाक की धमकी देता है। लेकिन कल उसने शमो को कहा कि सुबह तक तुम्हें तलाक मिल जाएगी। शमो डर गई और शमो यहाँ आ गई घर पर। नहीं अम्मी, अब आप जमशेद से समझौते की बात बिल्कुल नहीं करेंगी। बल्कि अब्बा जान ने भी कह दिया कि वकील से बात करें। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उधर जाएगा। ऐसे घर से बेहतर नहीं है अम्मी, वो आपके पास रहे अपने घर में यहाँ पर। तलाक का दाग बहुत गहरा होता है बेटा, सारी जिंदगी मिटाए नहीं मिटता। अब वो जमाने नहीं रहे अम्मी, पढ़ी लिखी है शम्मी, अपना मुस्तकबिल खुद बना सकती है। और आप क्यों फिक्र करें, हम हैं ना अम्मी। और जो कल होना है वो बेहतर है आज हो जाए। अम्मी आपकी दुआएं बिल्कुल रायगा नहीं जाएंगी, बिल्कुल परेशान हो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। आपकी तबीयत खराब है, मत स्ट्रेस लें इस बात का। आतिफ मैं 5 मिनट की ब्रेक ले लूं? जी जी आप ले लें, तब तक हम सेटिंग कर लें। हेलो इंटरनेट सेंसेशन शेफ समीर, कैसी हैं आप? शामी तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। ओह यस आई एम इंटरनेट सेंसेशन। जो बात है, अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वो तुम्हें जानते हैं, तो अब वाकई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी। आतिफ ये जो शामी कह रहा है वो थंबनेल पे लिख लो, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी शेफ। हो गया बॉस, डन हो गया। तुमने मेरा काम नहीं किया। कौन सा काम? तुमने कहा था ना अपने कजिन रोहिल से मिलवाओगी। ओ यार आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। और ऊपर से आजकल ताई अम्मी महल की अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा उनसे मुलाकात हो तो मेरी तरफ से भी पूछ लो। हाँ जरूर, मगर मुझे बताओ किस बारे में तुम्हें मीटिंग करनी है, शायद मैं कुछ गाइड कर सकूं। बस मैं उसके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के काम में आ रहा हूँ, बाकी गाड़ियों का बिजनेस साथ में चलता रहेगा। इट्स ग्रेट, आई थिंक रोहिल इसमें इंटरेस्ट लेगा, मगर पहले मुझे उससे बात करने दो, ऐसे ना हो कि वो मना कर दे। यू नो मैं तुम्हें एम्बैरस नहीं करना चाहती। इसमें एम्बैरस होने की क्या बात, काम है, डील बनी तो ठीक है, मैं इट्स ऑल राइट। हाँ मगर फिर भी पहले मुझे उसका इंटरेस्ट पता करने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? बॉस ठीक है, आ जाएं आपके एक दो इंसर्ट लेने। हाँ अगर आप बिजी हैं तो। नहीं नहीं मैं आती हूँ शामी में थोड़ी देर में। Thanks.
वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत? वो मैं रूही से बात हो सकती है क्या? वो घर आ गई है? हाँ बेटा, वो शाम को आती है ना स्कूल से, तो उसको फोन कर लो। मैंने किया है उसे कॉल, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा है। चलो रात में आके घर में बात हो जाएगी। चलो ठीक है बेटा। अच्छा, अम्मी की तबीयत ठीक है? हाँ, मैं उन्हीं के पास था, शम्मू को छोड़ के आया उनके पास। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह रात में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। मैडम को कमरे में देखने गई तो पता चला बीजान की खिदमत में लगी हुई है। हाँ भाई, जो उनके साए में आ जाए उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। मेरी प्रिंसिपल की छोटी बहन ना माहिरे नफ्सियात है, तो तुम कहो तो अपॉइंटमेंट ले दूं तुम्हारा। नहीं, फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत। मैंने तुम्हें दिन में भी कई कॉल्स की, मगर रिकॉर्डिंग चल रही थी कि आपका मतलूबा नंबर किसी के भी इस्तेमाल में नहीं है। हाँ, वो फोन स्कूल में गिर गया। ओ, सिम तो ब्लॉक करवा दी थी ना? हाँ, अब नया फोन लूंगी तो नई सिम लूंगी। तुम्हें कोई काम था मुझसे? मुझे कौन सा तुमसे रॉकेट साइंस पढ़नी है, कुछ रेसिपीज पूछनी थी, मगर फिलहाल तो तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पर है। और माहिरे नफ्सियात के पास मुझे भेजने के बजाय अपना इलाज करवाओ। खैर, अभी तो मैं आपकी ताई अम्मी और अपनी बीजान के पास जा रही हूँ। मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं हो, पकड़ जाए करो। मोबाइल भी खरीदूंगी और नई सिम भी दे दूंगी नंबर तुम्हें। फिर जितने चाहे मुझे मैसेजेस करवाती रहना। पागल समझा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपको फोन करता रहा, आपका नंबर बन जा रहा था, बल्कि रिकॉर्डिंग कह रही थी कि ये नंबर किसी के इस्तेमाल में ही नहीं। फोन गिर गया मेरा स्कूल में ना, तो मिल नहीं रहा। अब नंबर भी नया लेना पड़ेगा और फोन भी। राइट। मुझे लगा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम। एनीवे, बीजान जा गई है? बस सोने वाली है, दवाई दे दी मैं उनको, खाना देकर। आप उनका बहुत ख्याल रख रही हैं। Just want to thank you again. अब सो जाएंगी बीजान, आप मिल लीजिए उनसे। Thanks. दिमाग सेट हो गया हो तो घर वापस आ जाइए। मेरा दिमाग बिल्कुल सेट हो चुका, इसीलिए अब मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। और ये जिस घर की तुम बात कर रहे हो ना जमशेद, वो मेरा घर है। कल मेरा वकील तुम्हें खुलाकर नोटिस भी भिजवा देगा, इसलिए बेहतर यही होगा तुम अपने रहने का ठिकाना अभी से ढूंढ लो। अच्छा, तो मैके में बैठ के फुल प्लानिंग कर ली है? फिलहाल प्लान तो मेरा सिर्फ ये है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जब तक तुम मुझे तलाक की धमकियां देते थे मैं डरती थी तुमसे, लेकिन अब मुझे खुद तुमसे तलाक चाहिए जमशेद। और अगर नहीं दोगे तो अदालतों में जा ही रही। देखो शम्मू, बंदा ना गुस्से में कुछ कह ही देता है, अब इसका मतलब ये कोई रिश्ता खत्म कर लो। रिश्ता खत्म करना ही लो जमशेद, रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मुझसे मिलना तो सिर्फ कोर्ट में मिलना।